पोजीशन है, 20.5% मतदान हो गया है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में औसतन, और सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ है 28.5%, सबसे कम गाज़ियाबाद विधानसभा में 13%, बाकी विधानसभाओं में इनके बीच की फिगर्स हैं। और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहाँ मशीनें खराब होने की सूचना आई थी तत्परता से उनको बदल दिया गया था, और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह कुछ पथराव की सूचना थी, वहाँ डीएम एसएसपी मौके पर चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, तो वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लगभग 8 ककरौली में 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनका औसत मतदान भी जो हमारे प्रदेश का औसत मतदान है 20-21% उसके आसपास ही है। और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जो भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी PGRS हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आती हैं उस पर तत्काल हम रिस्पॉन्ड करते हैं, संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं, कमीशन को भेजना हो तो उनको भेजते हैं, मीडिया में कोई आरोप आता है तो उसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है ये भी हम लोग बताने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कई जगहों पर पथराव हो रहा है, पुलिसकर्मी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं और जो सपा के वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने वोटिंग परसेंटेज का फिगर किया वही है जो औसतन इन विधानसभाओं में रहता है, और पथराव की आपने बात की, केवल एक जगह की, मैंने पूरे प्रदेश में एक ही जगह घटना हुई थी और कहीं इस तरह की हमारे पास समाचार, और जहां कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है हम लोग वहां बात करके शिकायत दूर कराने का प्रयास करते हैं। एक और आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी ने भी